वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को वार्न किया है और दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज वो कहाँ विकिपीडिया को कि अगर आपको इंडिया में काम करना अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप इंडिया से जा सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से विकिपीडिया को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस भी थमाया गया है। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्ट ये केस पूरा क्या है। ANI, जिसका फुल फॉर्म है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, ये एक संगठन है जो अपने तरफ से डिफरेंट जो न्यूज़ ब्यूरो है उन लोगों को सिंडिकेट न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। और कुछ महीने पहले ANI ने विकिपीडिया पे एक केस किया था और उसी केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने तरफ से विकिपीडिया को यह बोला है। तो एग्जैक्टली केस क्या था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ऑन द अदर साइड थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि विकिपीडिया और ANI एग्जैक्टली क्या है। ANI एक न्यूज़ एजेंसी है जो 1971 में प्रेम प्रकाश ने एस्टैब्लिश किया था। आज के डेट में अगर देखा जाए ANI ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट न्यूज एजेंसी है। आज के डेट में अगर देखा जाए ANI जो है वो अपने तरफ से जो डिफरेंट न्यूज ब्यूरो है उन लोगों को अपने तरफ सिंडिकेट वीडियो न्यूज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग विकिपीडिया को देखें तो विकिपीडिया एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जहाँ आपको डिफरेंट टॉपिक में अगर आपको कुछ जानना है तो आप फ्री में जाके वहाँ जान सकते हैं। आप बस विकिपीडिया के वेबसाइट में जाइए, जो सर्च बार है वहाँ आपको जो टाइप करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग गूगल के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग विकिपीडिया के वेबसाइट में जाके हम लोग गूगल टाइप कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज में विकिपीडिया जो है हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले विकिपीडिया कुछ चार्ज नहीं करता। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये US बेस्ड है। विकिपीडिया को 2001 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद से हम लोग अगर देखें ज़्यादातर टाइम विकिपीडिया मोस्ट सर्च वेबसाइट में 1 से 10 के अंदर ही रहता है। आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें कि विकिपीडिया का जो वेबसाइट है इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और हम में से हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ जानने के लिए विकिपीडिया को यूज़ करते ही है। तो अब आते हैं इस केस में, थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट क्या हुआ था। कुछ महीने पहले अगर आप ANI के बारे में जानना चाहते एट दैट पॉइंट आप अगर विकिपीडिया में जाके ANI के बारे में सर्च करते तो ANI का जो इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया में पब्लिश हो रहा था या फिर दिखाई दे रहा था। मतलब हम लोग को अगर ANI के बारे में कुछ भी जानना है तो हम लोग को वही पता चलता था, जो भी एग्जैक्ट लिखा है वो इन्फॉर्मेशन जो था वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन था। मगर अचानक से कुछ चेंजेस हुआ, बट एज पर ANI फ्रॉम द मंथ ऑफ मे दिस ईयर ये जो इन्फॉर्मेशन था ANI के बारे में ये चेंज हो गया। विकिपीडिया में ANI को अगर आप सर्च करते थे मे के बाद में, उस टाइम में आपको ANI के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हाईलाइट किया जा रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन में ANI को एक प्रोपोगंडा टूल बोला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को अगर कभी भी कुछ प्रोपोगंडा फैलाना होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट ANI को यूज़ करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन था ये ANI का जो रेपुटेशन था वो भी खराब कर रहा था। ऑन द अदर साइड अगर दुनिया भर में कोई भी ANI के बारे में जानना चाहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ANI का जो बिजनेस है वो भी लॉस हो रहा था, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि भाई ये जो कंपनी है ये कंपनी तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ये लोग कोई भी न्यूट्रली काम नहीं करता है। जिसके वजह से आगे जाके ANI ने विकिपीडिया पे केस किया। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस जब उठा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विकिपीडिया से पूछा गया दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से कि आपका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में ANI के बारे में ये इन्फॉर्मेशन क्यों है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विकिपीडिया के तरफ से बोला गया कि हम लोग के वेबसाइट में आप जो भी कंटेंट देख रहे हो ये कंटेंट हम लोग खुद बनाते नहीं है, फिर हम लोग पब्लिश नहीं करते। विकिपीडिया सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल होस्ट है और ज़्यादातर जो यूज़र्स है वो अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन जो है वो विकिपीडिया में पब्लिश करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ANI के बारे में ये एग्जैक्टली 3 यूज़र्स मिलकर इसको चेंज किया था, जिसके वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन है ANI के बारे में ये दिखाई दे रहा था विकिपीडिया वेबसाइट में। ये सब सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि जो कौन 3 यूज़र्स थे जो लोग ये इन्फॉर्मेशन चेंज किया है, उन 3 यूज़र्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हम लोगों को प्रोवाइड करो, हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन ये 3 यूज़र्स थे और ANI को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। तो कोर्ट ने अपने तरफ से डेट डिक्लेयर कर दिया और कोर्ट ने कहा कि उस डेट के बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन थे ये ANI को प्रोवाइड करना चाहिए कि कौन 3 यूज़र्स थे जो लोग ANI के बारे में ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया में अपलोड किया था। कोर्ट के तरफ से जो ड्यूरेशन डिक्लेयर किया गया था वो ड्यूरेशन क्रॉस कर दिया। ऑन द अदर साइड विकिपीडिया ने अपने तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन ANI को प्रोवाइड नहीं किया। तो ANI कोर्ट के पास फिर से गया और कोर्ट को बोला कि हम लोगों को विकिपीडिया जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है और इसके वजह से हम लोग का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है, क्योंकि ये हम लोग का जो रेपुटेशन है ये ख़राब कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग को एग्जैक्टली 2 करोड़ चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो बिजनेस है वो हैम्पर हुआ है, हम लोग का जो इमेज है वो भी ख़राब हुआ है विकिपीडिया के ये सब करते हुए। तो कोर्ट ने जब विकिपीडिया से फिर से पूछा कि आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए बोला गया था आप लोग ये क्यों अभी तक ANI को नहीं दी हो, कौन है वो 3 यूज़र, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विकिपीडिया जो बोला वो लोगों ने कहा कि हम लोग जो है हम लोग एक
यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग का अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम लोग को टाइम लगता है, हम लोग ये इंस्टेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते, जिसके वजह से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एएनआई को प्रोवाइड नहीं कर पाए। ये सुन के जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे नवीन चावला, वो विकिपीडिया पे गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर विकिपीडिया को बोल दिया कि अगर आपको इंडिया में काम करना अच्छा नहीं लगता है तो आप इंडिया छोड़ सकते हो। ऑन द अदर साइड अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके मैं गवर्नमेंट को बोल के विकिपीडिया का जो बिजनेस है वो इंडिया में बंद कर दूंगा, सारे ट्रांजेक्शन जो भी है आपको ये सब कुछ बंद किया जाएगा। तो ये सुनने के बाद विकिपीडिया को ऑब्वियसली थोड़ा सा खराब लगा। ऑन द अदर साइड कोर्ट ने अपने तरफ से नेक्स्ट जो डेट है ये अक्टूबर में प्रोवाइड कर दिया इस केस को लेके। नो डाउट विकिपीडिया ने जो किया था ये काफ़ी गलत है। आज के डेट में अगर हम लोग इंडियन जो लॉज है उनको भी फॉलो करें, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2021W, उसके अनुसार अगर कोई भी यूज़र कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है जो पब्लिक के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल है कि वो यूज़र जो है वो सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी यूज़र अपने तरफ से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में या फिर इंडिया के अगेंस्ट में या फिर कोई भी कंपनी के अगेंस्ट में अगर प्रोवाइड करते हैं और वो पब्लिक हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ये प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहे या फिर ये प्लेटफॉर्म का देखभाल कर रहे, दे आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उन लोगों को चाहिए इंस्टेंट वो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना। ऑन द अदर साइड जो भी यूज़र ऐसा कुछ स्टेप ले रहे हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना। आज के डेट में अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले ही ऐसा सेम प्रॉब्लम फेस किया था रिगार्डिंग गूगल और फेसबुक को लेके, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लेके इसी लॉ के सेक्शन 79(2) और 3 ऐड किया है। तो आगे जाके अगर देखा जाए ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कोई भी अपने तरफ से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी के खिलाफ कुछ गलत प्रोपोगंडा फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा जिसके नाम में ये सब बोला जा रहा है वो लोग अपने तरफ से कोर्ट में जाके केस कर सकते। और जैसे कि हम लोग को इस बार देखने को मिला कि विकिपीडिया को यूज़ करके 3 यूज़र्स ऐसे कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड विकिपीडिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इतना टाइम ले रहा है। तो नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से। आगे जाके इस स्टोरी में क्या होता है वो हम लोग को अक्टूबर में जानने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो है अक्टूबर। तो जैसे ही कुछ होगा मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एंड होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वो अपने लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ऑन द अदर साइड जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम में वीडियोज़ आते हैं, जब भी वीडियो आएगा आप तुरंत वो वीडियो देख पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।